हरे भरे मनोरम स्थान पर मेरे महादेव, ये बहती हुई सई नदी और सई नदी के तट पर बसा ये घुसरनाथ धाम। सावन हो और अधिक मास हो, महादेव के दर्शन हो जाएं तो फिर बात ही कुछ और है। वाह, चलते हैं अब प्रमुख द्वार की तरफ। ये प्रमुख द्वार है मंदिर के धाम का। यहाँ आएंगे तो प्रसाद भी लेंगे और प्रसाद के नाम पर फिर हम पहुँच गए अपनी पुरानी दुकान तिवारी मिष्ठान भंडार पर। घुसरनाथ धाम की बहुत ही प्राचीन दुकान, यहाँ के पेड़े अगल बगल के जिले में मशहूर हैं। कभी यहाँ आना हो, बाबा के दर्शन कीजिए और यहाँ के पेड़े का स्वाद जरूर लीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। दोपहर तप रही है इस समय, इसलिए भीड़ कम हो चुकी है कुछ। हल्का सा कैमरा घुमाता हूँ। ये ऊपर इस स्थान पर कभी दुकान का बोर्ड हुआ करता था, परंतु कुछ दिन पहले आई आंधी ने क्षतिग्रस्त कर दिया और अब ये दुकान के सामने लगा हुआ चंदन का वृक्ष, लाल चंदन का वृक्ष इस दुकान की पहचान बन चुकी है। दर्शन कीजिए, दुर्लभ वृक्ष है। धीमे धीमे बढ़ेंगे अब मंदिर की तरफ हम। ये दुकानें सजी हुई हैं, मेला लगा हुआ है। बस राहत यही है कि मैं दोपहर के वक्त आया हूँ तो भीड़ कुछ कम है। प्रसाद की दुकानें सजी हुई, महादेव ने हजारों लोगों को रोजगार दे रखा। कितनों का पेट यहाँ छोटी मोटी दुकान लगा के चलता है। ये द्वार है जहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम ऊपर पहुँचेंगे। भीड़ है लेकिन उतनी नहीं जितनी सोच रहे थे। एक बार फिर से चारों तरफ का वातावरण कैद किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए, घंटे की ध्वनि के महादेव का उद्घोष किया और ये हमारे नंदी बाबा जी के कान में प्रार्थना की कि खबर करो, हमें दर्शन दे दो मेरे महादेव। उनकी स्वीकार हुई। दर्शन करो भक्तों, भुसरनाथ का ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू महाराज महादेव। बम बम बोले, डम डम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव।